वहाँ आबकारी टीम आई थी दबिश करने, जो गुड्डू समोसा पर उन लोगों को छोड़ा विधायक के कहने पर। इसके बाद जब हम वहाँ से चलने लगे तो किसी ने हमसे कहा, उसी में आदमियों में से, विधायक के आदमियों में से, कि आप विधायक जी से बात कीजिए। तो हम विधायक जी से बात करने लगे। विधायक जी क्या नाम है, हमको तुरंत गाली गलौज देने लगे, माँ बहन बेटी की, तुम्हारी बेटी को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अभी तुमको पिटवाएंगे, और मैं शराब व्यवसायी हूँ, जब मैं शिकायत करता हूँ तब ये हमसे नाराज़ हैं इसीलिए, और इनके संरक्षण में बहुत से लोग भट्टियाँ चलाकर शराब बनाते भी हैं और बेचते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे आदमियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ मत पकड़वाइए ना शिकायत कीजिए। किस विधायक ने आपको गाली दी? प्रभात कुमार वर्मा विधायक हैं गौरा। एक्चुअली वो जहाँ शिकायत मिली थी कि अवैध शराब बेच रहा है, तो उसको उसके कार्रवाई के लिए टीम भेजी गई थी, उनके द्वारा जो भी मिले उनको पकड़ा गया था। उस पर एक व्यक्ति की विधायक जी ने छोड़ने के लिए कहा था, यद्यपि वो जमानत पे फिर बाद में रिहा हुआ है। उसके विरुद्ध जो भी है धारा आबकारी अधिनियम की धारा 60 में अभियोग पंजीकृत किया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, क्या क्या उसके पास मिला था सर, जो व्यक्ति जिसको पकड़ा गया था उसके पास? अब एग्जैक्ट तो अभी क्वांटिटी पूछनी पड़ेगी कितनी मिली थी, लेकिन अवैध शराब उसके पास बरामद हुई थी। और छपिया इलाके में वहाँ हाँ, और भी शराब जैसे उनके होता उनके वो एक ही नहीं, कई और लोग भी पकड़े गए थे कल, जो कार्रवाई हुई थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और चूंकि अवैध शराब जहाँ की भी शिकायत मिलती है तो टीम जाती है, कार्रवाई करती है। तो विधायक जी के कहने पर छोड़ना पड़ा? नहीं, विधायक जी का कहना क्या, कोई भी जमानत अगर कोई लेना चाहता है आबकारी अधिनियम का, अगर कोई मुलजिम है तो उसको जमानत देने का प्राविधान है, उसके क्रम में जमानत देने का। विधिक कार्रवाई किए बगैर ही? हाँ, पहले वो चाहते थे लेकिन फिर विधिक कार्रवाई के साथ। क्या चाहते थे विधायक? विधायक जी ने यही कहा था कि इस व्यक्ति को न पकड़ा जाए, लेकिन अब चूंकि अवैध शराब के साथ मिला था इसलिए वो पकड़ा गया। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने वो गाली से नवाजा है, आबकारी विभाग को भी कहा है ना, आप शब्दों में गाली दी है, अब इसके तो संबंध में हमें तो इंस्पेक्टर ने नहीं बताया। आबकारी भी कुछ उनके खिलाफ? एक्चुअली हमारे पास जो टीम है उसने इस तरह की कोई शिकायत नहीं की। सर, विधायक टीम को गाली, टीम के सामने उसको मारा पिटा, लेकिन जो हम बैठाए हुए उनको, मैं साथ में नहीं था, जो हमें टीम ने बताया है उसमें उन्होंने इस तरह की शिकायत नहीं बताई। तो सर कितना गाली दिया था आपको? नहीं, अगर कोई भी सरकारी कार्य में बाधा करता, अगर वो दिया होता तो मैं FIR करा देता। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, आपके हिसाब से किसी सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक का इस तरह से अवैध शराब के व्यवसायी को छुड़ाने का प्रयास करना कितना गलत है? नहीं, अब किसी भी, मैं तो कहूँ कोई भी क्राइम करने वाला है उसको किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तभी कंट्रोल हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।